स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर इसाबेला एक बीच पर सनबाथ ले रही है। उसका अभी अभी एक बॉयफ्रेंड बना हुआ है, उसे ढूंढते ढूंढते वो उसके घर तक आया था। इसाबेला कहाँ है ये किसी को भी पता नहीं था। उसे ढूंढते हुए उसका ब्रदर विक्टर ये सी शोर तक आया। उसे बताता है कि उसका बॉयफ्रेंड आया हुआ था। इसाबेला बोलती है कि मदर को ये सब बात नहीं पता चलनी चाहिए, उसकी मदर उसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगी और उसे अच्छा नहीं लगता। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि इसाबेला फ्रेंच है और उसका बॉयफ्रेंड जर्मन। ये बात जब किसी को पता चलती है तो क्रिंजी मोमेंट हो जाता है, तो इसलिए छुपा कर रखना चाहती है। इसाबेला चाहती थी कि मदर को पता ना चले, पर मदर को पता चल चुका है। मदर इसाबेला को कहती है कि एक रात वो हमारी फैमिली के साथ डिनर कर सकता है। इसाबेला कहती है कि वो इतना स्मार्ट नहीं है, मैं उसे कहीं भी इन्वाइट नहीं करना चाहती। इसाबेला का बॉयफ्रेंड बीच पर था तो वो भी वहां पहुंच गई। बॉयफ्रेंड का नाम फिलिक्स है। फिलिक्स इसाबेला के पास आता है, रात में एक पार्टी होने वाली है तो उसमें उसे इनवाइट करता है। वो पार्टी में तो जाना चाहती है पर अगर सबके सामने गए तो प्रॉब्लम आ सकता है। उसका ब्रदर उसकी फैमिली को डिस्ट्रैक्ट करता है और इसाबेला पीछे के दरवाजे से निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसाबेला और फिलिक्स ये दोनों बीच पर वॉक करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, बीच की सैंड पर हैंग आउट करते हैं। ये दोनों फिर यही इंटीमेट हो जाते हैं। इसाबेला का यह फर्स्ट टाइम था। रात में फिलिक्स इसाबेला को घर तक छोड़ने के लिए आता है। इसाबेला का ब्रदर वरीर था तो इसाबेला के रूम में ही सो रहा था। उसे एक्चुअली पता था कि आज इसाबेला क्या करने वाली है। ये ब्रदर सिस्टर एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंट है। विक्टर इसाबेला से पूछता है कि वो कैसी है, पर इसाबेला उसे वहां से निकल जाने के लिए कहती है। उसके लिए ये जरा अजीब एक्सपीरियंस था। एक दो दिन में इसाबेला का 17th बर्थडे आता है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए उसने फिलिक्स को नहीं बुलाया। ये समर चल रहा था, अपने फादर से मिलने के लिए यहाँ वो आई हुई थी। एक्चुअल में उसकी मदर और फादर का डिवोर्स हो चुका है तो हर समर वो अपने फादर से मिलने के लिए यहाँ आती रहती है। उसे पता था कि उसकी और फिलिक्स की रिलेशनशिप ज्यादा आगे नहीं जा सकती, वैसे भी उसे सिर्फ वो यूज ही कर रही थी। जब वो फिर से अपने घर रिटर्न हो रही है तब रास्ते पर उसे फिलिक्स दिखता है, पर वो फिर से मुड़ कर भी नहीं देखती, लाइफ के साथ आगे बढ़ जाती है। इसके बाद हम डायरेक्टली ऑटम सीजन देखते हैं। बहुत सारा टाइम गुजर चुका है। इसाबेला अपने क्लाइंट से मिलने के लिए होटल में आई हुई है। वो पैसों के लिए आजकल लोगों के साथ सोती है। आज का उसका क्लाइंट एक बहुत ही बूढ़ा आदमी है। वो जब इसाबेला को देखता है तो कहता है कि तुम्हारी एज तो तुमने बहुत ही ज्यादा बताई थी, उसे वो अंडर एज लगती है। इसाबेला भी कहती है कि तुम भी तुम्हारे फोटो जैसे नहीं हो। उसने एक ऑनलाइन वेबसाइट पर रजिस्टर किया था जिससे उसे क्लाइंट मिलते हैं। इसी वजह से इन दोनों को जो इन्फो मिली है ये ऑब्वियसली जरा सी गलत है। ये जो अब होटल का क्लाइंट है इसका नाम है जॉर्ज। जॉर्ज फिर इसाबेला को उसके पास बैठने के लिए कहता है। उससे वो पूछता है क्या तुम स्टूडेंट हो। इसाबेला कहती है कि हाँ। वो कहता है कि आजकल हालत ही खराब चल रहे है। जॉर्ज फिर इसाबेला को उसके पास बैठने के लिए कहता है, उसे सहारता है और बोलता है कि तुम्हारी आईज बहुत ही ब्यूटीफुल है, इनमें एक अजीब सा दर्द है। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद हमें डायरेक्टली इसाबेला का क्लासरूम दिखाया जाता है। इस क्लासरूम में एक पोएम पर डिस्कशन चल रही है। वो पोएम क्या थी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस डिस्कशन से इस मूवी की स्टोरी पर एक बैकग्राउंड कमेंट्री की जाती है। इसमें से एक लड़का कहता है कि समर था, समर में आपको जॉयफुल एक हैप्पीनेस महसूस होता है, उसमें जो नशा है इसके बारे में पोएम थी। दूसरा लड़का कहता है कि पोएम जॉय और सैडनेस के बारे में है, एक एडवेंचर हुआ पर उसके बाद भी आप अकेले ही रह गए। इसमें से दूसरी लड़की कहती है कि ये पोएम प्यार ढूंढने के बारे में है। अगर हम मूवी की सिचुएशन देखें तो इसाबेला ये सब क्यों कर रही है ये भी यहाँ से डिफाइन होता है। समर खत्म हो जाने के बाद इसाबेला को एक एडवेंचर चाहिए था, इसीलिए वो ये सब कर रही है। इसमें और एक मीनिंग निकल कर आता है कि ये सब वो कर रही है पर फिर भी सैड है। वो कुछ ना कुछ तो सही ढूंढना चाहती है पर अभी तक उसे कुछ भी मिल नहीं रहा। इसाबेला के क्लास में एक लड़का उसे पसंद करता है पर उसे वो ज्यादा भाव नहीं देती है। इसाबेला कंटिन्यूसली अलग अलग क्लाइंट से मिलती रहती है। एक बिजनेसमैन उसे हायर करता है, सिर्फ अपने आप को प्लीज करता है पर उसे टच भी नहीं करता, उसे वो पूरे पैसे नहीं देता। इसाबेला उससे पूछती है तो कहता है कि तुम्हारी इतनी ज्यादा प्राइस नहीं है। वो उस पर कुछ भी कर नहीं पाती है। एक दिन उसकी मदर उसे थिएटर ले जाना चाहती है। इसाबेला कहती है कि मुझे बहुत सारा स्टडी करना है, मैं नहीं आ सकती। उसकी मदर उसे समझाती है कि जब मैं तुम्हारी एज की थी तो बहुत मजे करती थी, पार्टीज में जाती थी, अलग अलग चीजें ट्राई करती थी।
ये कन्वर्सेशन थोड़ी सी क्वकी है क्योंकि इजाबेला क्या करती है इसके बारे में मदर को कुछ भी आइडिया नहीं है। जब वे थिएटर पहुंचते हैं वहां पर इजाबेला को उसका क्लाइंट जॉर्ज दिखता है। वो एक दूसरी लड़की के साथ वहां आया हुआ है। इंटरवल में इजाबेला उसके सामने जाकर उसे डर्टी लुक देती है। यहाँ पर इजाबेला नोटिस करती है कि उसकी मदर उनके फैमिली फ्रेंड के साथ फ्लर्टिशियसली बात कर रही है। उसे लगता है कि उसकी मदर का अफेयर चल रहा है। ऑलरेडी इजाबेला को उसके स्टेप फादर और मदर के साथ रहना पड़ता है। थोड़ी देर में इजाबेला को जॉर्ज का मैसेज आ जाता है। इसके बाद ये रेगुलरली मिलने लग जाते हैं। एक दिन वो जॉर्ज से पूछती है कि थिएटर में तुम्हारे साथ वो लड़की कौन थी। जॉर्ज कहता है कि वो मेरी डॉटर थी। बहुत सालों तक हमने एक दूसरे से बात नहीं की थी। अब मैं हम दोनों में रिलेशनशिप सुधारना चाहता हूँ, इसलिए मैं उससे मिलता रहता हूँ। इजाबेला उससे पूछती है क्या तुम अच्छे हस्बैंड हो। वो कहता है कि मैं ट्राई करता हूँ। जॉर्ज इजाबेला से भी उसके बारे में पूछना चाहता है पर वो कुछ भी बताती नहीं। इस बार जब वो इंटीमेट हो रहे थे तो अचानक से हार्ट अटैक की वजह से जॉर्ज की डेथ हो जाती है। इजाबेला बहुत डरती है, उसे बचाने की कोशिश करती है पर कर नहीं पाती। वो जल्दी से वहां से भागने की कोशिश कर रही थी पर बाथरूम में वो गिर गए। उसके सर पर थोड़ी सी चोट आती है। यही बाथरूम में जॉर्ज कुछ परफॉर्मेंस की गोलियां लेता था, ये भी उसे मिलती है। इन्हीं गोलियों की वजह से उसे हार्ट अटैक आ गया। पुलिस को पता चलने के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। डायरेक्टली इजाबेला की मदर सिल्विया के पास पुलिस आते हैं। इजाबेला क्या करती है इसके बारे में सब कुछ बताते हैं। जो इंसिडेंट हुआ था इसके बारे में भी मदर को पता चलता है। मदर पहले तो बिलीव नहीं कर पाती, उसे लगता है कि इजाबेला ये सब नहीं कर सकती। जब पुलिस उसे सब सबूत दिखाते हैं, इजाबेला जिस होटल में जाती थी वहां के सीसीटीवी कैमरे से निकाले हुए इमेज जब वो देखती है तब उसे शॉक लगता है। पुलिस उसे कहते हैं कि इजाबेला 17 साल की है, इसी वजह से उसे कुछ भी सजा वगैरह नहीं होगी। लीगली तो उसे विक्टिम ही माना जाएगा। और भी इन्वेस्टिगेशन के लिए सिल्विया के साथ वो घर पर आते हैं। इजाबेला का लैपटॉप वगैरह देखते हैं। वहां पर उन्हें इजाबेला इंटरनेट से क्लाइंट ढूंढती थी ये सब पता चल जाता है। इजाबेला ने सब कुछ पैसे सेव करके रखे थे, ये सब पैसे भी उन्हें मिल जाते हैं। जब इजाबेला घर पर आती है तो उसकी मदर उसे बहुत मारती है। उसे पूछती है तुमने किया क्यों। इजाबेला उसे कुछ भी नहीं बताती है। मदर अब इजाबेला को लेकर बहुत ही वरीड है। उसका हस्बैंड उसे समझाता है कि इजाबेला बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसे ऑफर मिली होगी, शायद वो रिफ्यूज नहीं कर पाए। अब नेक्स्ट सीन में इजाबेला पुलिस को स्टेटमेंट दे रही है। एक्चुअल में को एक आदमी ने अप्रोच किया था, उसने उसके साथ सोने के लिए इजाबेला को एक डील दी। अपना नंबर देकर वहां से वो चला गया। इजाबेला कहती है कि मैंने सोचा और मुझे लगा कि मुझे ट्राई करना चाहिए। जब वो उस आदमी के साथ थी तो उसे कुछ फील नहीं हुआ। जब पहली बार वो अपने फर्स्ट बॉयफ्रेंड के साथ थी तभी भी उसे कुछ भी फील नहीं हुआ था। वो कहती है कि फर्स्ट टाइम ये सब करना मुझे अच्छा नहीं लगा पर बाद में मुझे फिर से करना चाहिए ऐसा लग रहा था। उसने फिर एक सेकंड फोन ले लिया, उसी से वो क्लाइंट से बात करती थी। लेडी ऑफिसर उससे पूछती है क्या तुम कंटिन्यू करने वाली हो। इजाबेला कहती है कि मुझे पता नहीं है। ऑफिसर उसे समझाती है कि ये बहुत ही डेंजरस था, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। इजाबेला ने जो भी सब पैसे कमाए थे ये सब अब उसकी मदर रखने वाली है। डिनर टेबल पर डिस्कशन होती है कि उस मनी के साथ क्या किया जाए। तो मदर कहती है कि हम इसे डोनेट कर देंगे। इस बात को लेकर इजाबेला बहुत ही अपसेट है। मदर इजाबेला को थेरेपिस्ट के पास लेकर आती है। मदर कहती है इसे पैसों की कोई भी जरूरत नहीं थी, इसे पॉकेट मनी देती हूँ, इसे जो भी चाहिए ये वो बाय कर सकती है। इजाबेला के फादर भी उसे पैसे सेंड करते रहते हैं। इनमें डिस्कशन होती है कि इजाबेला के पैसों के साथ क्या करना चाहिए। थेरेपिस्ट कहता है कि वो उसने कमाए हैं, ये उसे ही मिलनी चाहिए। एक दिन इजाबेला के फैमिली फ्रेंड्स अपने बच्चों को घर पर छोड़कर बाहर जाने वाले थे। इजाबेला को वो बेबी सीट करने के लिए बुलाते हैं। जब रात में वो घर पर आते हैं तो हस्बैंड कहता है कि मैं इजाबेला को छोड़कर आता हूँ, पर वाइफ को इजाबेला के बारे में पता है। वो उसे खुद घर छोड़ने के लिए आती है। उसके स्टेप डैड टीवी देख रहे थे। इजाबेला उनके पास आकर बैठती है, उन्हें देखकर हंसने लग जाती है। वो पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। कहती है कि तुम बहुत ही फनी हो, तुम मुझे बहुत हंसाते हो। स्टेप डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम एक टीनेजर हो, तुम कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी, तुम्हारी मदर को तुमने बहुत हर्ट किया है। इजाबेला अपने स्टेप फादर से भी फ्लर्ट कर बात कर रही थी। मदर ने जब ये देखा तो गुस्से में फादर को लेकर वो चली गई। मदर कहती है मुझे इजाबेला से घिन आती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इजाबेला अपने थेरेपिस्ट के पास आई हुई है। थेरेपिस्ट उससे पूछता है कि उस आदमी के मर जाने के बाद तुमने स्टॉप यू कर दिया। वो कहती है कि मैं जॉर्ज से बहुत बार मिली थी,
थेरेपिस्ट पूछता है कि क्यों। वो कहती है कि वो बहुत ही स्वीट था, उसे वो अच्छा लगने लग गया था, उसे मुझसे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं था, वो हमेशा मुझे सहलाता रहता था। जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन वो पहली बार ही इंटीमेट हुए थे। इजाबेला फिर कहती है कि मुझे बहुत ही गलत लगा, पहली बार मैं जो काम कर रही हूँ एक करते हुए मुझे डर्टी लगा। इसके बाद वो कंटिन्यू करना नहीं चाहती थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इजाबेला की फ्रेंड का ब्रेकअप हो चुका है। वो उसे चीयरअप करने के लिए वो रात में पार्टी में जाने वाले हैं। इस पार्टी में उसे अच्छा नहीं लगता, वो जरा साइलेंस के लिए बाहर आ जाती है। उसका क्लासमेट एलेक्स उसे मिलता है। एलेक्स वही क्लासमेट है जो उसे पसंद करता है। वो फिर डायरेक्टली उसे पूछ लेता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? वो थोड़ी सोच कर उसे हाँ कह देती है। ये दोनों फिर पार्टी में आकर डांस करते हैं। रात भर बातें करते करते सिटी में घूमते हैं। पेरिस का फेमस ब्रिज द लवलॉक ब्रिज, इसको भी विजिट करते हैं। इनकी डेट बहुत ही ब्यूटीफुल थी। इसके बाद मूवी में स्प्रिंग आता है और एक सीजन बदल चुका है। एलेक्स और इजाबेला अब रिलेशनशिप में है। जैसे हमें पता है कि टाइम गुजर चुका है और इजाबेला अब एलेक्स के साथ नहीं रहना चाहती। उसे कहती है कि मैं तुम्हारे प्यार में नहीं हूँ, और उसे ब्रेकअप कर लेती है। जिस एक्साइटमेंट के लिए वो लोगों से मिलती थी उसकी लाइफ से मिसिंग है। उसके पास अभी भी उसका दूसरा मोबाइल है। इसे वो ऑन कर देखती है तो उसके प्रीवियस क्लाइंट से बहुत सारे मैसेजेस उसे आए हुए हैं। एक मैसेज जॉर्ज की वाइफ की तरफ से है, उसे मिलना चाहती है। जहाँ पर जॉर्ज और इजाबेला मिलते थे वहीं पर ये मिलते हैं। जॉर्ज की वाइफ कहती है कि जिस लड़की से मेरा हस्बैंड मिलता था एक बार मुझे उसे देखना था। इजाबेला उसे सॉरी कहती है। वाइफ कहती है कि तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, वो पहले ही बीमार था, तुम्हारी जैसी इतनी ब्यूटीफुल लड़की से प्यार करते करते वो मर गया, इससे अच्छी डेथ क्या हो सकती है। वो कहती है कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो, तुम में एक दर्द है। यही चीज थी जो जॉर्ज भी इजाबेला को कहता था। जॉर्ज की वाइफ कहती है कि मैं भी जब यंग थी तो तुम्हारे जैसे ही दिखती थी। अगर हम इसे फिर से एनालाइज करें तो जॉर्ज अपनी यंग वाइफ को याद करता था। इजाबेला के साथ पहले कभी भी वो इंटीमेट नहीं हुआ था, उसे सिर्फ वो सहलाता रहता था, उसे देखता रहता था। जब वो उसके साथ पहली बार इंटीमेट हुआ तभी उसकी डेथ हो गई। इजाबेला जो करती है ये जॉर्ज की वाइफ को इंटीमेटेटिंग लगता है। इसके बाद वो इजाबेला को जॉर्ज की जहाँ डेथ हुई थी वहां पर लेकर आती है। वो कहती है कि एक बार मुझे रूम देखना था। इजाबेला भी यही चाहती थी, उसके पास आकर उसे लेटने के लिए कहती है। जिस तरह से जॉर्ज इजाबेला को सहलाता था उसी तरह से वाइफ भी इजाबेला को सहला कर उसे सुला देती है। इजाबेला जब उठी तो जॉर्ज की वाइफ वहां से चली गई थी। यही मूवी एंड हो जाती है। आपको लग सकता है कि बहुत ही अब्रप्ट एंडिंग है, पर ऐसा नहीं है। अगर हम देखें तो इजाबेला और जॉर्ज की वाइफ ये दोनों क्लोजर चाहती थी। जॉर्ज की वाइफ देखना चाहती थी कि वो कौन थी जिसके पास जॉर्ज जाया करता था। जब उसने इजाबेला को देखा तब उसे उसका रीजन पता चल गया। शायद जॉर्ज और उसकी वाइफ की रिलेशनशिप जैसे पहले ही थी वैसी नहीं रही। वो अपनी वाइफ को मिस करता था। इजाबेला में भी उसे अपनी वाइफ ही दिखी। जॉर्ज की तरह इजाबेला को सहला कर वो अब इस सिचुएशन से मूव ऑन कर गई। इजाबेला के एंडिंग के बारे में हम बात करें, जॉर्ज के मर जाने के बाद वो भी डिस्टर्ब हो चुकी थी। उसके बाद उसकी रिलेशनशिप हुई है पर सही से क्लोजर नहीं मिला था। जॉर्ज की वाइफ से मिलने के बाद उसे भी शायद क्लोजर मिल चुका है। इजाबेला के बारे में आपको बहुत सारी चीजें गलत लग सकती है और वो थी गलत। एक फैक्ट ये भी है कि वो एक टीनेजर थी। इस एज में हर कोई अपने आप को ढूंढने की कोशिश करता है, सबका प्रोसेस अलग है। उसका भी इसी तरीके से एक गलत अजीब सा अप्रोच था। इसी तरह से मूवी एंड होती है और आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।